तो नहीं आ रहा है फिर से लगेगा। नहीं नहीं, एक क्लिक करके मैंने कैप्चर किया है क्लाउड से। अब चलते हैं यहाँ से, चलते हैं बोला था मैं के लिए तो बोला नीचे से बना के ले जाऊंगा। हाँ तो मगर तब तक तो हम ऊपर जाएंगे, तो वो बना के लिए वो क्या है यहाँ तो कोई जवान लड़का ही आएगा। रास्ता किधर से बैठते हैं भैया, कुछ खाए जाए क्या? मेरे पे है ऑनलाइन, मेरे पे है ऑनलाइन हो रही है, उसके नेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क ठीक चल रहा है, नेट बंद कर ले, फ्लाइट मोड लगा के रख ले। ऑनलाइन करना पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा
ये मेरा ब्रो वापस, ये मेरा ब्रो है। हम लोग शॉर्टकट लेके आए थे, मजा आ गया। हम लोग वेट करते हैं आप घूम के आ जाओ। थोड़ा थोड़ा ही फोन करे तो फोन ही नहीं लग रहा था किसी। मत जाओ, बहुत ज्यादा सही है अगर तू अभी है। अच्छा खासा क्लाइम चढ़ना है, स्ट्रेट है एकदम। ये देख रहे हो आप लोग, और कुछ है नहीं। हाथ धुलने पानी से होता नहीं यहाँ पे। मैं बस निकल ही रहा था अभी। तो बाबू इधर में बाबू एक और है, तो इसके यहाँ पे ले 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 दे दे दे। अरे मैं तो भी रहूँ तो लाइन में अच्छी रिकॉर्डिंग मंदर पिक्चर लोग इतना बना के अभी यहाँ पे आए हैं। ये है एक्चुअली मैं वैसे चाय पीता नहीं, पर ये जगह इतनी खूबसूरत है कि चाय पीने का मजा ही कुछ और हो जाता है। ये देखो आप, इससे कुछ खूबसूरत हो सकता है दुनिया में लगता हो। बैक कैमरे में जा चाय ऐसे हाथ से पकड़, कैमरे में ले ली। यहाँ का चाय वैसे काफी अच्छा है। अब पता नहीं चाय अच्छा है या फिर इस जगह पे पीने का इतना मजा आ रहा है। मैगी भी बन रहा है ना? यहाँ से वो हो रहे रूप राफ्टिंग, यहाँ से वो पहाड़ी चाहिए बादलों के बीच से, यहाँ से वो होना चाहिए। मछूदा नहीं आता है रूप राफ्टिंग, वो लोग कहते हैं। कौन सा बंजी जंपिंग? नहीं नहीं, तो जिसपे आप गए वो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं रूप वे बोलते हैं। रूप वे रोप वे रोप वे रोप वे और वो कहते हैं रूप राफ्टिंग, उसे बोलते हैं फेंकते हैं फन एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी से। ओह ठीक ठीक, हाँ वो मजा आती है। यहाँ से लेके वहाँ से बादलों से बहुत बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ से हंसी के वजह से हंसी चल रहा भैया का दिन। हमें कोई नहीं दिक्कत है, वो आए नहीं उसको दिक्कत है, सारा सब उसको हार्ट से बढ़ पाऊंगी। यहाँ पर बैठी नहीं है तो चाय कैसा है? अरे भाई बहुत बढ़िया चाय, इलायची इलायची पड़ा हुआ काफी अच्छा है, बहुत अच्छा दूध का अच्छा पड़ा हुआ है। नीचे भी ऐसा चाय नहीं मिला था भाई, बहुत अच्छा चाय अच्छा है। चाय अच्छा नहीं होगा अच्छा प्यार है यार। देखो 20 है नीचे था, वहाँ 25 या 30 तक बहुत ज़्यादा। हाँ मसूरी में ना अधिकतम चीज़ ना आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेंगे। इसी कैसे वो सस्ता है, इसी कैसे सस्ता है आपको नॉर्मली नॉर्मल प्राइस पे ही सारे कुछ मिल जाता है यहाँ पे। आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जेब चला जाएगा। नीचे नहीं तो होल्ड करना पड़ेगा यार, ऐसे रेंज नहीं गिरा। अब जब आए तब का है, जनरेटर ही रखते तो है। सही है यार, यहाँ अच्छा है। क्या चीज़ यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। भैया आपको कैसा लगा यहाँ आके? मजा आ रहा, 2 साल का मेरा
ये आ गया हमारा मैगी और यहाँ बन रहे रील्स। क्या बन रहा है? फोटो रील्स क्या बना क्या रहे फोटो फोटो ले रहे थे पहाड़ों वाली मैगी पहाड़ों वाली मैगी इसके अलग ही मजे हैं। ये हमारी वाली, ये हमारे भैया की वाली सेम ही है। हाँ सेम ही है, मंदी थोड़ी ना हमारी। यहाँ पे वो तीन वाटरफॉल है, नीचे पानी 20 का ऊपर 40 का, जैसे बढ़ते जा रहे हैं पानी का भी सेम रेट हो, पर प्राइस बढ़ता जा रहा। वो ऐसे हम भी दो साल से कोई वो नहीं था, वो ट्रैकिंग गाइड नहीं था, बस हम ये था कि वहाँ मज़ा नहीं आया कि स्पॉट्स नहीं थे मैक्लाउडगंज में, तो मैंने पीछे पड़ के हूँ यार चलते चलते। एक तो नॉर्मल शूज फैंसी शूज होते हैं उसी में चल पड़ा, उसकी बैंड बच गई थी, जूते टूट गए हमारे हाथ। जब हम नील वाटरफॉल से डाउन आ रहे थे, ये सैंडल्स पड़ी हुई है फीमेल्स की, सब टूट गई है। सही है, ये पापा की परी है, वो ये सारी ऐसे लेके आ रही है, चल रही है आप उसको जाते हैं टूर गाइड उठा उठा के जाता हूं। सो हम लोग ने मैगी चाय हो गया और टोटल हम लोग थे 5 बंदे, तो 5 बंदों का चाय और मैगी में 500 रुपये लगे टोटल में, तो 100 रुपये पर पर्सन आप मान लो। एंड जो अभी अब हम लोग यहाँ से वापस जाने जा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखो क्या सीन है यहाँ का, बिल्कुल कोने से चल रहा हूँ कि अगर पैर में फिसले तो चांसेस रहे मेरे पास कम से कम बचने को। बाकी नीचे मत देखना, नीचे देखने के बाद डर लगता है। साइड से चल लो भैया, चलिए 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 चलिए। आराम से आराम से आराम से। भैया के पैर फिसल गया था, मैं तो भाई फुल प्रिकॉशन ले रहा हूँ, हाथ बॉडी सारा कुछ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रैक करने के लिए। थोड़े बहुत स्क्रैचेस लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर पैर फिसल गए तो आप नहीं बचोगे। सो हाथ मेरे काफ़ी गंदे हो रखे हैं, मैं भी शायद कैमरे में आ नहीं रही हूँ, पर बोलते हैं हल्के फुल्के छिला उला गए साइड वाइड से, पैर में भी कुछ लगा होगा, मैं भी पता नहीं चल रहा है, अभी देख पता चलेगा। भाई देखने के बाद यार बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब ये देखो, ये देखो कैसा सीन, ये देखो एक भैया, पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ है इस्तेमाल करने का। ये देखिए कैसे जाना पड़ता है, Thank you.
थोड़ा स्टेयर्स इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि जब पत्थर नहीं है तो बाहर निकलने के चांसेस कम है। अब सही है। ओह ये देख लो, पता नहीं क्या मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, मैं क्रॉक्स पहन के आ गया। कभी भी अगर ऐसे जगह पे आते हो तो जो रनिंग शूज़ हो गए या फिर जिस शूज़ में ग्रिप होता है वो यूज़ किया करना। हम लोग का प्लान था कि कैंपटी फॉल जाएंगे, फिर बाद में इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ खास है नहीं वहाँ पे, हमने प्लान्स चेंज कर लिए। तो प्लान्स चेंज हो गए, मैं सोच कर निकला था कि स्विमिंग वगैरह होगा तो मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर किया था अपने आप को, मगर इधर का सीन बन गया। एंड इसी को बोलते हैं ट्रैवलिंग, कब कौन सा सीन बन जाए किसी को नहीं पता चलता है। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग। इसीलिए मैं देखो लोग अक्सर आपसे, अगर आप ट्रैवल करते हो और अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीखने को मिलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक अंकल मिले हमें, उन्होंने कुछ कुछ बताया। मान लो कि मैं अपने दोस्तों के साथ आता तो मैं अपने में रहता, मैं लोगों से क्यों बात करता है कि नहीं। तो ये फ़र्क होता है सोलो ट्रिप में और दोस्तों के साथ आने में। चलो और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। ट्रैक काफी खतरनाक है, मैं आपको चलो बैक व्यू दिखाता हूँ। ये देखो अभी हम लोग बेसिकली डाउन जा रहे हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ग्रेविटी डज ऑल द वर्क, तो वो वाली बात है यहाँ पे अभी, लेकिन फिर भी संभल के चलना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा हो कि मैं ओवर उस चीज़ को बता रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी देख लो कितना, ये देखो बहुत बहुत पतली है, पतली ट्रैक बनाई हुई है इन्होंने। अब ये भी क्या ही कर सकते हैं, उतना पॉसिबल था उतना बना दिया। देखो ये कोहरा है, कोहरा बोल रहा हूँ, ये धूप, ये बादल है बेसिकली। मैं खुद भी कंफ्यूज जाता हूँ क्या है नहीं है, मगर तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग सोलो। अब कब क्या एक्सप्लोर करोगे किसी को नहीं मालूम होता है। प्लान्स बनते हैं, आप जाते हो, नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। बताओ अगर मैं अभी घर पे होता तो ये सब चीज़ तो नहीं कर पाता। एंड ऐसे जगहों पे आने के बाद ना आप अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाओगे या फिर क्या है नहीं है। लोग अक्सर बहुत चीज़ सोचते हैं अपने लाइफ को लेकर, एंड बहुत चीज़ नहीं भी होता है, बहुत चीज़ हो भी जाता है। बट उससे होता क्या है ना कि आप अपने जो आइडेंटिफिकेशन डिल्यूज़न होता है, यानी कि आप अपने पर्सनैलिटी से इतना जुड़ जाते हो कि आप उस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पता कर पाओगे कि आप कौन हो और जो आप कर क्या रहे हो वो क्या है। तो शायद बहुतों को ये बात मेरी समझ भी नहीं आ रही होगी, लेकिन सोचना कि क्या आप जो आप सोचते हो वो हो या फिर आप कुछ और हो, सोचना मेरे बातों को एक बड़े। तो शायद आपको कुछ समझ में आए, थोड़ा फिलोसफिकल है थोड़ा स्पिरिचुअल है, मगर ट्राई करना। मैं भी लाइफ में कुछ अच्छा हो या ना हो मेरे को नहीं पता, मगर आपको थोड़ा बेटर फील होगा खुद को लेके। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ग्रेविटी सारा काम कर रहा है मुल्क के लिए, हम लोग के लिए जितना ताकत लगा था जाने में उतना ही आसान पड़ रहा है बाबा, सॉरी जितना ताकत लगा था आने में उतना ही आसान पड़ रहा है जाने में। ये पीछे हमारे कुछ भाई लोग क्या रहे हैं, अच्छा है काफी, मतलब
वंडरफुल एक्सपीरियंस था, सबसे इम्पोर्टेंट बच गए। ये आ गए हमारे भाई दौड़ते दौड़ते। हेलो एवरीवन, बताइए यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब बहुत अच्छा था। हाँ। आप भी आइए, भाई हमारे साथ आए, मिले हमसे। भाई के साथ बहुत अच्छा लगा। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। अरे इतनी तारीफ नहीं, वाकई भाई नेचर से लेके हर चीज पे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ का वेदर ही बहुत प्यारा है। वेदर तो काफी प्यारा है, वो ये तो बात है। और जितनी तारीफ की जाए कमी है, भाई की भी और नेचर की भी, यहाँ की भी। तो आप लोग भी आइए, ब्लॉग को देखिए और एक बार यहाँ जरूर आइए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इन्होंने बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा है, तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। अगर कुछ अच्छा सीनरी आया तो फिर दिखाऊंगा, वरना अभी के लिए बाय। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमारी स्कूटी इधर लगी हुई है। क्या लग गया? ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग के भाई की स्कूटी, उधर एक उधर एक इधर है। चलो मिलते हैं फिर।